खरगोन के जिले भर से आए कसरावत कृषि उपज मंडी में हर विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कृषि उपज मंडी में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर रविवार को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने संकल्प रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। कृषि उपज मंडी कसरावत के प्रांगण से शुरू हुई विजय रैली स्तंभ पुरानी तहसील नगर परिषद होते हुए SDM कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी की। कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डहरिया ने कहा कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए लागू केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर राज्य की सेवा में मुक्त केंद्र कर्मचारी अधिकारी पर नेशनल पेंशन स्कीम NPS लागू किया है। इसमें सुरक्षित पेंशन व परिवार पेंशन को OP नहीं है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम से सेवानिवृत्त हो केंद्र कर्मचारी अधिकारी को बहुत कम पेंशन राशि मिल रही है, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक सुरक्षित नहीं है। परिवार का भरण पोषण एवं सामान्य जनक जीवन जीना मुश्किल। वहीं पेंशन बहाली को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार इस मांग को पूरा करें। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर जिले भर से आए हजारों कर्मचारियों ने कसराबद SDM कार्यालय परिसर तहसीलदार रमेश सिसोदिया को केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ये एक छोटी सी मांग है हमारी। परम सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के मुखिया, उनसे हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सरकारों ने पेंशन बहाल कर दी है, तो सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारी पेंशन तत्काल बहाल करें, इसकी घोषणा करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई काफ़ी लंबी हो गई है? हाँ, 2017 से सम्माननीय विजय कुमार बंधु जी ने इस लड़ाई को आगाज़ दिल्ली से करे थे और आज हमारा 2022 हो गए। सरकारें लेट कर रही हैं, जितना देर करेंगी उतना ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमारी पेंशन की जो मांग है वो तत्काल करें, इससे सरकारों का भी फायदा और हमारे कर्मचारियों का। मांगे पूरी नहीं होती तो इसके इसमें हम बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। हमने 100 दिन का चार्ट प्रोग्राम किया है। मध्य प्रदेश शासन को हम सिर्फ दिसंबर तक का समय दे रहे हैं। यदि दिसंबर तक उन्होंने हमारी मांग को नहीं मानी तो हम तालाबंदी, सालों के तालाबंदी, ऑफिस में तालाबंदी से लेकर के रोड से अमर अनशन तक करेंगे। हमारा पूरा मध्य प्रदेश का 6 लाख कर्मचारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश में जितना भी कर्मचारी वो रोड में आ जाए।